हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में बात की थी अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसमें हमने सोडालाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हीटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ और हीटिंग इफेक्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जो फोर्थ नंबर है दैट इज बीटा गामा, ठीक है, अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए इसमें अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होगा और किस पोजीशन पर होगा, बीटा और गामा के बीच में, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है। इसका पास वाला कार्बन क्या है आपका, अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये आपका क्या आएगा, गामा CH, तो ये बीटा, ये आपका गामा। बीटा और गामा के बीच में क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है, और आपका आंसर आएगा CH2। अब पहले जो हम क्या करते थे, ये जो हाइड्रोजन होता था उसको हम इसी कार्बन से क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से एसोसिएट नहीं करेंगे, किस कार्बन से करेंगे, आपके गामा पोजीशन वाले कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एसोसिएट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है वो आ जाएगा आपके बीटा और गामा से शिफ्ट होकर अल्फा और बीटा के बीच में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एल्किन फॉर्म हो जाएगी आपके पास और साथ में बनेगा आपका CO2, ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म वैसे बता चुका हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट तो रहता है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखिए ऐसा हो कि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए किसके पास, कार्बन के पास, ठीक है। तो जब शिफ्ट होंगे तो इधर तो आ जाएगा प्लस चार्ज और इधर आ जाएगा लोन पेयर के साथ माइनस चार्ज, और ये क्या करेगा आपके यहाँ से हाइड्रोजन को बेस की तरह निकाल लेगा, ठीक है। और जब ये बेस की तरह निकालेगा तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखिए CH2 यहाँ से जुड़ गया आपके पास H, इस CH2 से जुड़ गया आपका ये H, ठीक है। CH यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर CH2, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पाई में, और ये सिग्मा फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके लोन पेयर में, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, एक तो ये और एक C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास आ गए लोन पेयर माइनस चार्ज, ठीक है। और उसके बाद लोन पेयर माइनस चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल प्लस चार्ज, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका कुछ इस टाइप से CH2H CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा बीटा गामा। तो गामा से तो आपने जोड़ दिया ये हाइड्रोजन, और बीटा और गामा के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो मैकेनिज्म आपको तो वैसे ध्यान रखना नहीं है, जो तरीका है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सी डबल बॉन्ड ओ डी करके दे दिया जाए, ठीक है। इसको हीट किया जाए तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है।
बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, सी एच टू। यहाँ से आप एसोसिएट कर दीजिए इस टी को, ठीक है, देन सी एच, फिर डबल बॉन्ड सी एच टू विद द लॉस ऑफ सी ओ टू, इस तरीके से ये आंसर रहेगा आपका, ठीक है। जैसे आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए, ये पोजीशन अल्फा यहाँ पर दे दी, ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पोजीशन है अल्फा, ये है बीटा और ये है आपकी गामा, तो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बीटा गामा अनसेचुरेशन वाले सिस्टम है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। CO2 निकलेगी यहाँ पे, तो आ जाएगा H, और यहाँ पे रहेगा आपका जो डबल बॉन्ड था बीटा और गामा के बीच में, वो आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। जैसे साइक्लिक में दे दिया जाए, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा पोजीशन, इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो आंसर इस तरीके से आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा बीटा और गामा से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, बाईसाइक्लो कंपाउंड दे दिया जाए, हीटिंग करवाई जाए, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। इसको हीट किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। ये तीन क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए एक बार और ट्राई करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पोजीशन है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा, बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही सिचुएशन है अपने लिए। आप इस तरीके से बाईसाइक्लो को बना दीजिए, ठीक है, ये हट जाएगा CO2 यहाँ पर, तो H आ जाएगा, और बीटा और गामा से डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में विद द लॉस ऑफ CO2, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे अगर हम देखें, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका गामा है, तो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको आप शिफ्ट करवा दीजिए अल्फा और बीटा के बीच में, यहाँ पर CO2 निकल जाएगी आपकी, प्लस CO2, ठीक है, और एक बॉन्ड तो रहेगा, वो तो रहना है जो, ठीक है। चलिए यहाँ अगर हम देखें तो देखिए ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो देखिए आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए बीटा और गामा के बीच में, लेकिन यहाँ क्या है, गामा और डेल्टा के बीच में, तो यहाँ कोई भी हीटिंग इफेक्ट आपका नहीं लगेगा, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका फिफ्थ टाइप, ठीक है। फिफ्थ टाइप हम देखते हैं, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। चलिए देखिए इसको मैं जनरल फॉर्मूला में इस तरीके से लिखता हूं, सी एच टू एन सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर n की वैल्यू जीरो से अगर हम लेते हैं, ठीक है, n की वैल्यू जीरो मतलब
सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एन की वैल्यू 1 होती है ठीक है। तो सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ ओ एच मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में क्या है, एक सी एच टू मॉलिक्यूल है ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, मेलोनिक एसिड ठीक है। वहीं एन की वैल्यू आपके पास 2 आ जाए ठीक है, तो सी सी एच टू सी ओ ओ एच सी एच टू सी ओ ओ एच ठीक है। इसे हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ठीक है। N की वैल्यू आ गई आपके पास 3, N की वैल्यू आपके पास आ गई 3 ठीक है। तो सी ओ ओ एच इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, सी एच टू होल थ्राइस सी ओ ओ एच ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड ठीक है। एन की वैल्यू 4 हो जाए, सी ओ ओ एच सी एच टू होल 4 सी ओ ओ एच ठीक है। इसे हम बोलते हैं एडिपिक एसिड, क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड ठीक है। एन इक्वल टू 5 दैट इज सी ओ ओ एच सी एच टू होल 5 सी ओ ओ एच ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पीमेलिक एसिड, पीमेलिक एसिड ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब यहाँ अगर हम हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ओ एम एस जी ए पी दैट इज ओम्स गेप, क्या बोलते हैं, ओम्स गेप से आप इसको याद रख सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पेमेलिक एसिड ठीक है। जब नंबर ऑफ सी एच टू मॉलिक्यूल कितने हो, 0 1 0 1 हो ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, 2 हो या 3 हो, यहाँ पे क्या हो, 4 हो या फिर 5 हो, क्लियर है। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सी एच टू जो बीच में है वो 0 या 1 होते हैं ठीक है, तो आपको जब हीट करते हो तो उसमें से रिमूव होता है CO2, क्या रिमूव होता है, CO2 रिमूव होता है। 2 और 3 कार्बन हो, जैसे यहाँ पर n बराबर 2 और n बराबर 3, तो जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं तो क्या रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ठीक है। और जब 4 और 5 नंबर हो यहाँ पर बीच में सी एच टू ठीक है, तो आपका सी एच आपका सी ओ टू प्लस एच टू ओ दोनों क्या होते हैं, रिमूव होते हैं ठीक है। ये ट्रिक है ध्यान रखने के लिए ठीक है, कि जब आपको ऑक्सैलिक एसिड मेलोनिक एसिड दे दिया जाए और हीटिंग करवाई जाए तो आपको क्या करना है, उसमें से एक सी ओ टू मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना, बाकी आपका आंसर है ठीक है। एन की वैल्यू 2 दे दी जाए मतलब सक्सिनिक एसिड दे दिया जाए या ग्लूटेरिक एसिड दे दिया जाए, उसको आप हीट करोगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को आपको बाहर निकालना है, और एडिपिक एसिड दे दिया जाए और पीमेलिक एसिड दे दिया जाए तो उसमें से आपको सी ओ टू प्लस एच टू दोनों को क्या करना है, बाहर निकालना है ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्या हो, क्लियर हो ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं जो नेमिंग है इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है। पहली बात तो ये आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल हुआ, इसको जब आप हीट करते हो क्या करते हो, हीट
हीट करते हो, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हो तो आंसर क्या आता है आपके पास? आपको क्या रिमूव करना है? CO2 को। तो एक CO2 को रिमूव कर दीजिए, आंसर आएगा HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्लस CO2, दैट्स इट। क्लियर है हीट करने पर? N की वैल्यू 1 है, इसको जब आप हीट करते हो क्या निकालना है आपको बाहर? CO2, CO2 को रिमूव कर दीजिए एक कहीं से भी, ठीक है। मान लो ऊपर से अगर CO2 रिमूव होगा तो यहाँ H बचेगा, यहाँ CH2, दैट इज CH3, COOH, साथ में CO2, इस तरीके से आपको करने में, ठीक है। थर्ड, N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू क्या है? 2। क्या रिमूव होगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल को आपको रिमूव कर देना है, क्लियर। H2O रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? इस कार्बन से ये ऑक्सीजन एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, एक रिंग बन जाएगी। अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर की क्या बनेगी आपके पास? रिंग बनेगी। जिसमें एक क्या रहेगा आपका? ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे, कहीं पे भी रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कीटोन ग्रुप, फर्स्ट से कनेक्ट है सेकंड CH2, थर्ड CH2, फोर्थ में क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O फोर्थ नंबर पे आ गया, और फिफ्थ नंबर पे क्या है? O। इस तरह से आपके पास क्या बनेगी? एक फाइव मेंबर की रिंग बनेगी, क्लियर है। और साथ में रिमूव क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको ध्यान देना ही, क्लियर है। जब तो इसको हीट करेंगे तो सक्सेनिक एसिड इसको बोलते हैं, और ये क्या है आपका? एनहाइड्राइड है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइड, तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, एन की वैल्यू 3, इसको हमने हीट किया, ठीक है, यहां से भी किसका रिमूवल होगा? वाटर मॉलिक्यूल का। तो इसको मैं और सही तरीके से लिखता हूं, देखिए CH3 CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, और रिमूव क्या होगा आपका? वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे भी क्या बनेगा? एनहाइड्राइड बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी आपके पास? 1, यहाँ पर 3 रहेंगे, 4, ये 5, और ये आपका 6, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर के पहले कितने थे? 2 थे, यहाँ 3 हो गए, एक बढ़ गया, तो यहाँ 5 मेंबर रिंग थी, तो अब कितने मेंबर हो जाएगी? 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, जिसमें एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। तो 1 पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, फिर 2 पे सी एच टू, 3 पे सी एच टू, 4 पे सी एच टू, ठीक है, फिफ्थ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और 6 पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ये आपका 6 नंबर पे ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ में रिमूव हो जाएगा वाटर, क्लियर है। एन की वैल्यू हो गए 4, N की वैल्यू 4 होते हैं, क्या है आपको? CO2 भी निकालनी है और H2O भी निकालना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए, तो CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। जब हम इसे हीट करेंगे तो एक तो CO2 निकलेगी और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा,
क्लियर है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर की रिंग बनेगी आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना लीजिए 5 मेंबर की रिंग। फर्स्ट पोजीशन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। सेकंड CH2, थर्ड CH2, सेकंड थर्ड, फोर्थ CH2, फाइव CH2, सिंपल। और ये आ जाएगा आपके पास साथ में CO2 प्लस H2, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि 5 नंबर में क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिए, चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और जो 5th n = 5 है उसके लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं इसके लिए n की वैल्यू जब 5 होती है तब, ठीक है। n की वैल्यू है 5, मतलब CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। तो हीट करेंगे हम, हीट करेंगे तो क्या होगा, एक तो CO2 निकलेगा और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो पाएगा, ठीक है। तो फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस बार 6 मेंबर की रिंग बनेगी आपके पास। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड हो, सेकंड पे CH2, थर्ड पे CH2, फोर्थ पे CH2, फाइव पे CH2 और सिक्स पे CH2, मतलब सेम ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। साथ में बनेगा आपके पास वाटर H2 प्लस CO2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हीटिंग है जिसका एक तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, ओम्स के पहले आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नाम पता होने चाहिए, उसके बाद 0 और 1 है, दोनों सी डबल बॉन्ड OH के बीच में नंबर ऑफ कार्बन CH2 ग्रुप 0 या 1 है, तो किसको रिमूव करना है, CO2 को, ठीक है। उसके अलावा 2 और 3 है तो किसे रिमूव करना है आपको, H2O को। और अगर 4 और 5 है तो आप किसे रिमूव करोगे, CO2 प्लस H2O दोनों को, ठीक है, हीट करने पर। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से उससे इनसे क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, कि डायरेक्ट ही फॉर्मूले से आ जाए। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जैसे सी डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच एच, इसे हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको जब हीट किया जाता है तो दो सी डबल बॉन्ड OH के बीच में 1 और 2 कार्बन है, ठीक है। 0 और 1 उसमें क्या होता है, CO2 निकलता है, और जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या निकलता है, H2O, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड सी एच एच, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्या निकलेगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइड, इस तरीके से, क्लियर है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल H2, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। वही मान लो इसी का ट्रांसफॉर्म दे दिया जाए, ये क्या है था आपका, सिस फॉर्म था, जहाँ पर दोनों COH क्या है, सेम साइड है।
मान लो दोनों COH आपके क्या हैं, अपोजिट साइड में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, और इसे जब हीट किया जाता है तो कुछ भी नहीं बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। सिस फॉर्म को, मैलिक एसिड को हीट किया जाता है, दोनों सी डब्ल्यू बॉन्ड सेम साइड एनहाइड्राइड फॉर्म होता है, बट दोनों अगर अपोजिट हैं, ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है, हीट करने पर कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए, और हीट किया जाए, ठीक है, मान लो ये कंपाउंड दे दिया आपको और हीट किया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड OH वन और टू, दो कार्बन है, तो किसका रिमूवल होगा, वाटर मॉलिक्यूल का, हीट करने पर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, ये कंपाउंड, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये इससे जुड़ जाएगा वाटर, क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ये कंपाउंड दे दिया जाए, अब यहाँ देखिए वन टू थ्री, तीन ग्रुप, तीन सी एच टू आपके पास हैं बीच में, तीन कार्बन बीच में, ठीक है, तो 01 में CO2, 23 में H2, H2 का रिमूव कर दीजिए हीटिंग करने पर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की, विद द लॉस ऑफ वाटर, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर बताइए। आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 चार कार्बन है बीच में, चार कार्बन है तो CO2 भी निकलेगा आपका और H2O भी निकलेगा, तो CO2 भी निकलेगा आपका और H2O भी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो कंपाउंड बनेगा 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, मान लो ये क्या है 2 3, ये है 1 2 3, ये है 4, और 5 पे सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से, विद द लॉस ऑफ CO2 एंड H2, क्लियर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपके पास दो सी डबल बॉन्ड OH के ग्रुप हो आपके पास, तब हम इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे
ये दे दिया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार कार्बन बीच में, ठीक है, और चार कार्बन बीच में है तो CO2 भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O O H, तो यहाँ से निकलेगा आपका H2O और यहाँ से निकलेगा आपका CO2, ठीक है। तो जब हम हीटिंग करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपके पास रिंग बनेगी 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5 नंबर की, ठीक है। फिर से 5 नंबर की रिंग बना दीजिए, ये है 3, 4, ये हो गया 3, 4, ठीक है। 2 ये 1 ये 5, ठीक है। 5 पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। 1 पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 पे एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दो, साथ में CO2 प्लस H2, क्लियर है, इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, COOH एक ही कार्बन पर दो C डबल बॉन्ड OH है और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो किसका रिमूवल होगा, CO2 मॉलिक्यूल का, तो एक CO2 का क्या करवा दीजिए, रिमूवल, ये बन जाएगा COOH और ऊपर वाले से CO2 रिमूव हो जाएगा। एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक कार्बन पर जब दो सी डबल बॉन्ड OH होते हैं तब उसको हीट करते हैं तो एक CO2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, दो सी डबल बॉन्ड OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था अपना 5th टाइप, दैट इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर हम हीट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम 6th टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका 6th टाइप, दैट इज 6th हीटिंग इफेक्ट है आपका हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 5th टाइप हम पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। 6th टाइप है आपका, दैट इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक तो क्या रहेगा, अभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसमें एक क्या रहेगा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा और एक ग्रुप क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अब ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज ICDC, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो दोनों के बीच में, 2 हो या फिर 3 हो, 3 या 4 हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, आईसी मींस इंटर मोलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन आईसी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूव होगा किसका, वाटर मोलिक्यूल का, और इसे हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन, क्या बोलते हैं साइक्लाइजेशन, ठीक है। चलिए ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं कि है क्या, पता नहीं, क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। CH2 यहाँ से जुड़ा हुआ है OH, यहाँ से जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में एक कार्बन है, ठीक है, CH2 है, तो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मोलिकुल आपस में कनेक्ट होंगे और एक साइकिल फॉर्म करेंगे, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ऐसा ही ऐसा आप एक और कंपाउंड ले लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ OH और यहाँ ले लीजिए OH, ठीक है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ से भी आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज CH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 O C डबल बॉन्ड O,
इस तरीके से, और साथ में 2 moles ऑफ वाटर, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। इस ये मीनिंग होता है किसका, IC1 का, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करें हम, ये कंपाउंड दे दीजिए OH सी डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है। तो इसकी हीटिंग करनी है तो क्या कीजिए, ऐसा का ऐसा ही एक और कंपाउंड ले लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ OH OH, दोनों के बीच में एक कार्बन है, एक कार्बन है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर दीजिए, एक तो एक यहाँ से आपका वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से ओ सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से बन जाएगा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से बन जाएगा ओ और यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए विद द लॉस ऑफ 2 moles ऑफ H2, ठीक है। तो देखिए ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ICDC करके याद रखना है, अगर हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है तो एक कार्बन बीच में तो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, दो है तो डिहाइड्रेशन और 3 और 4 है तो साइक्लाइजेशन। एक के लिए हमने दोनों एग्जांपल देख ही लिए हैं जहाँ पे बीच में कार्बन कितने हैं, CH2 एक कार्बन है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड के बारे में। एक कार्बन के लिए तो ये हो ही गया, सेकंड और थर्ड के लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है तो CH2 COOH और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, ठीक है। ये ग्रुप दिया हुआ है मतलब OH और सी डबल बॉन्ड के बीच में क्या है आपका, दो CH2 ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये पहचानो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। सेकंड चीज ICDC याद रखो, IC मतलब 1, D मतलब 2, C मतलब 3 और 4, ठीक है। दो कार्बन है तो मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल में एक तो एच यहाँ से निकलेगा CH2 से, एक एच यहाँ से निकालिए और जो दूसरा CH2 है उसमें से निकालिए OH। डिहाइड्रेशन की तरह ही है ये आपका, एक तरफ से एच निकलेगा एक तरफ से OH निकलेगा, वाटर मोलिक्यूल बाहर बनेगा और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, और ये आ जाएगा COOH साथ में वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। इसी पे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन और देखें, जैसे OH COOH ये दिया हुआ है, हीटिंग करने पर क्या बनेगा। अब ये फर्स्ट दो कार्बन बीच में, यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन भी रहेगा तो एक कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे कार्बन से क्या निकलेगा, OH, और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, ये COOH साथ में वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है डी, मतलब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके पास, 2 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो आपके पास, 3 या 4, दैट इज साइक्लाइजेशन। इसमें क्या होगी, साइक्लिक रिंग बन जाएगी आपस में, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ OH CH2 CH2 CH2, 3 नंबर आपके कार्बन बीच में, ठीक है, और बाद में आएगा आपके पास OH, क्लियर है। तो क्या कर दीजिए, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दीजिए हीटिंग करने का। तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर की आपकी क्या बन जाएगी, साइक्लिक रिंग बन जाएगी, और एक पोजीशन पर क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन आएगा।
कहीं पे भी लगा दो ऑक्सीजन को, यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नंबरिंग देख लीजिए, ऑक्सीजन पे 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। और यहाँ आ गया वाटर का रिमोल साथ में, तो 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी आपके पास एस्टर की, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एस्टर, साइक्लिक एस्टर फॉर्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे 5 की बनी है, आपकी 6 मेंबर की भी रिंग बन सकती है, अगर यहाँ पर बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो, 4 हो, तो ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दीजिए, और जब हम इसे हीट करेंगे तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से, और एक जगह आ जाएगा का ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो हो गए 6 पोजीशन, 5 4 3 2 1, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, 5 पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, साइक्लिक एस्टर और साथ में वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट है थोड़ा इम्पोर्टेंट, तो आपका कौन आपका टॉपिक है ही सही, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चंस आते हैं तो हीटिंग इफेक्ट से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप के हीटिंग इफेक्ट हमने देख लिए अभी तक, क्लियर है, और किस किस को किस तरीके से आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। तो चलिए देखिए, हमने अभी तक 6 टाइप के हीटिंग इफेक्ट आपके देख लिए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, उसके बाद फोर्थ आज हमने पढ़ा आपका बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, और लास्ट हमने 6 देखा आपका अभी ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, ठीक है। अभी कुछ और आपके हीटिंग इफेक्ट बाकी हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप उनकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।